पूछना चाहूंगा, आई लाइक टू आस्क यू व्हाट इज द प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया फॉर पुटिंग सच अ फैमिली शो एट 10 पीएम स्लॉट एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर बी फॉर जी टीवी इन रिगार्ड्स टू द प्रोग्रामिंग। जी टीवी ने आज तक जितने भी अलगतापूर्वक शोज किए हैं उनको प्रेक्षकों ने दर्शकों ने काफी सराहा है, यह हमारा अनुभव रहा है। आप पुनर्विवाह देख लीजिए या कुकुर है देखिए, जो टेलीविजन बातें करता है कहानियां कहता है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की कहता है। हर चैनल पे अगर आप देखोगे तो कहानियां वही है लेकिन उसका नजरिया अलग होता है, उसका प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो ये शो हमारा 10 बजे आ रहा है, तो हमने जो जानकारी ली है दर्शकों से बात करते हुए, जो रेटिंग्स आते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, तो 10 बजे काफी एक हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम शुरू होता है जिसमें बहुत सारी इवॉल्व तरीके की कहानियां बताई जाती है और वो दर्शक अपनाते हैं। ये कहानी एक इवॉल्व कहानी है। आज तक हमने देखा है कि ऐसी कहानियां बहुत सारी देखी हुई है कि वो एक कैरेक्टर होता है पति पत्नी और वो जिसमें वो का कैरेक्टराइजेशन थोड़ा निगेटिव होता है, डार्क होता है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है। आपने प्रोमोस देखे होंगे, शायद एबीपी अभी चलाई होगी, एबी में भी देखा होगा शो की जो हमारी वो अपना सा की जो एबी आपने देखी होगी, इसमें जो वो है हमारा एक ही सवाल है, क्या वो हरदम निगेटिव होता है, क्या वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्या हम अपने रिश्तों का बोझ लेकर जिंदगी भर चलते रहे या जिंदगी हमें एक मौका देता है, कोई खुशी का मौका देता है, क्या हम उसे अपना सकते हैं। तो उस बोझ से बाहर आकर अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए अगर हम वो बैगेज साइडवेज करके हम उससे बाहर आ सकते हैं, अपने परिवार के, अपने बच्चों के और खुद के लाइफ में अगर खुशियां लौटा सकते हैं, फिर से निर्माण कर सकते हैं, तो क्या वो गलत होगा, क्या वो सिर्फ निगेटिव ही देखा हुआ है, क्या वो पॉजिटिव हो सकता है, सकारात्मक ऊर्जा निर्माण कर सकता है हमारे घर में। इस थॉट प्रोसेस से इस शो को हमने 10 बजे लाने का निर्णय लिया है। और इस तरह का शो का ऑडियंस क्या आपने फाइनलाइज किया, सर? ऑडियंस तो हम नहीं फाइनलाइज करते, ऑडियंस चैनल और शो फाइनलाइज करता है। तो हम शोज लेके आएंगे, ऑडियंस वो देखेगी, अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो बार बार देखेगी, हर एपिसोड देखेगी। लेकिन चैनल का काम है अच्छे शोज, अच्छी कहानियां, अच्छा प्रॉमिस लेकर दर्शकों के सामने लेके आए। दर्शक चुनते हैं और आजकल तो मतलब दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बाद हमारी असेंबली का या असेंबली के जो इलेक्शन हुआ करते थे पहले 1.5-2 दिन लगते थे रिजल्ट आने के लिए, समझने के लिए। अब वो सुबह वोटिंग होता है और रात को अगर दूसरे दिन अगर काउंटिंग शुरू होता है 2 या 3 घंटे में रिजल्ट बहुत क्लियर हो जाता है। वैसे पहले हफ्ते में दर्शक अपना डिसीजन दे चुके होते हैं, पहले हफ्ते में ही समझ जाता है और मोर और लेस वही ट्रेंड कंटिन्यू होता है। अब कई कई शोज ऐसे भी है, जैसा महक है हमारा अभी का शो, जो काफी कम नंबर से ओपन हुआ था लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो डिजाइनिंग में भी वैसा था कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो होगा, वैसा हुआ है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से वो अपना सा बना है उसमें भी वो स्लो बर्न नहीं होगा, लेकिन वो डेफिनेटली हमें ऐसा लग रहा है कि वो पहले एपिसोड से ही उसके कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफाइन हो चुके हैं, उनके अपने अपने फोकस डिफाइन हो चुके हैं और वो बहुत रिलेटेबल बन चुके हैं। कहानी का जो प्रॉमिस है बहुत सादा सिंपल प्रॉमिस है कि ये जो वो है वो अपना सा भी हो सकता है, वो सिर्फ गलत या निगेटिव कनोटेशन से उसे मत देखिए। हमारे अपने अपने प्रीकंसीव्ड नोशंस होते हैं, वो उसको मद्देनजर रखते हुए वो अगर साइडवेज कर सकते हैं उसको बगल में कर दो और आप साफ दिल से अगर ये कहानी देखो तो शायद ये वो जो है वो पहले एपिसोड से ही अपना सा हो जाएगा। ऑपरेट अ लॉट ऑफ
of your shows are being revamped. सेंटर यार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग थी. यू नो, बहुत मैंने बहुत टाइम से शो नहीं किया है क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था, मुझे कुछ डिफरेंट. बहुत कॉल्स आए, बहुत ऑडिशंस के लिए गई मैं, बहुत टेस्ट किए मैंने बहुत सारे रोल्स के लिए. बट यू नो, मर्यादा और सावित्री ने सीरियसली मुझे बिगाड़ दिया है. यू नो, राकेश और मैं बहुत बोलते हैं ये चीज़, लेकिन इट्स ट्रू. मैं बहुत बिगड़ गई हूँ आफ्टर दीज टू शोज. लाइक आई रियली गॉट टू लर्न सो मच, आई गॉट टू अनलर्न सो मच. मैंने बहुत कुछ नया किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो मैंने पहले कभी की नहीं थी और जो टीवी पे नहीं होती हैं. सो आफ्टर डूइंग दोज शोज ना, मन नहीं कर रहा था कुछ मीडियोकर करने का या कुछ ऐसा करने का जो ठीक है. और एक चीज़ जो मैं हमेशा से बोलती हूँ वो ये है कि मुझे मोर देन द स्टोरी एंड द कैरेक्टर, आई वॉन्ट टू गो विद द विजन ऑफ द पीपल हु आर मेकिंग द स्टोरी. बिकॉज टीवी इज़ राइटर्स मीडियम, तो जो लिखते हैं, जो लिखा है वो कितना पावरफुल है. एंड ये स्टोरी सीरियसली मुझे वैसी लगी. आई लव द वन लाइन ऑफ द स्टोरी. यू नो, इवन दो देर इज़ दिशा हु इज़ प्लेइंग द पॉजिटिव कैरेक्टर, बट आई लव्ड इट. आई लव द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द शो. एंड मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है लोगों से, यू नो, जब मैंने उनको बताया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर. मुझे इस चीज़ का भरोसा है कि लोग ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मैं रिद्धि हूँ और मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. और आई जस्ट होप दे कंटिन्यू टू लव मी, इवन दो आई वॉन्ट देम टू हेट मी फॉर दिस कैरेक्टर, बट आई होप दे जस्ट कीप लविंग मी.